अब हिंदी का एक सेंटेंस है कि वह तेज है और इंग्लिश में उसे इतने तरह से व्यक्त किया जा सकता है ही इज क्लेवर ही इज वाइज ही इज इंटेलिजेंट ही इज टैलेंटेड ही इज एक्सपर्ट ही इज स्किल्ड ही इज जीनियस। और ये सारे सेंटेंस के वैल्यू उसका यूसेज अलग अलग है। ही इज क्लेवर वो तेज है यानी चतुर है। चतुर है मतलब वो इस तरह का है कि अपना काम निकाल लेगा तुम्हारा नुकसान हो तो हो। वो उसको बोलते हैं कि वो क्लेवर है यानी कि वो कनिंग है। क्या है? कनिंग है। कनिंग का मतलब लोमड़ी वाली क्वालिटी उसमें है, वो धूर्त है। समझ में आ रही बात? तो अगर दो लोग लड़ रहे दौड़ रहे हैं और जो ए है और बी है, ए अगर क्लेवर है तो अपने जीतने के लिए उसे लंगी मार सकता है और वो गिर जाए और ये जीत जाए, बोले क्या तेज लड़का है। तो ये तेज वाइज नहीं है, ये तेज क्लेवर है, कनिंग है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा तेज है वो। अगर वो धूर्त है, चालाक है, चतुर है, निगेटिव है तो ही इस क्लेवर होगा या ही इस कनिंग होगा। ही इज वाइज का मतलब वो जो चालाक है, वो जो बुद्धिमान है, इसमें दूसरे का नुकसान नहीं है, वो खुद अपना फायदा कर लेगा, नुकसान किसी का नहीं करेगा। एग्जाम्पल ये है कि ये एक फील्ड है और इस फील्ड में ए बी सी डी ई पांच रो है, पांच लड़के दौड़ रहे हैं। अब यहां से ये दौड़ेगा, यहां से ये राउंड मारना है, ऐसे चलेगा। अब ये जो ए है, ये जो बी है, ये सी है, डी है, ई है, इसमें एक लड़का आया जिसने कहा कि हम यहां पर खड़े होंगे और फिर वो दौड़ रहा है, तो पता है जीतने के चांसेस किसके बढ़ जाते हैं? किसके? इधर वाले के, क्योंकि इसका जो सरकमफेरेंस है इस फील्ड का वो कम हो गया इसकी तुलना में। अब अगर उसने ये बुद्धि लगाई और वो जीत रहा है तो वो क्लेवर नहीं है बल्कि ठीक है। और अगर वो जीत रहा है इसलिए कि अच्छा वो सामने वाला आगे निकल रहा है तो पॉकेट में उसने ले रखा था कांच के टुकड़े, उसने ऐसे गिरा दिए या गोलियां, कांच की गोलियां, और वो गिर गया और ये जीत गया, ये क्लेवर है और उसने अपनी बुद्धि लगा दी, तो वाइज है। हमने आपको कहा कि किसी ने कहा कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताएं, आपको 8 याद है, 2 याद नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 8 लिख दें, 2 ना मिले। आपने सब रिपीट किया और एक बार में लिस्ट में बिहार दे दिया, 2 बार रिपीट कर दिया, यूपी 2 बार कर दिया। अगर पकड़ा गए तो 8 मिलेगा, नहीं पकड़ाए तो 10 मिला, 22। सुनना, तो देखना पड़ेगा कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। ये करना ये पापी होना है, ये निगेटिव है, ये धर्म के खिलाफ भी गलत है और नैतिकता के आधार पर भी। तो वी शुड नॉट बी क्लेवर, वी शुड बी वाइज। अब अगर दिमाग आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है तो फिर आप इंटेलिजेंट हो गए। अब इंटेलिजेंट का भी मात्रा अलग अलग है, उसको बोलते हैं IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अब उसकी जांच होती है कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है। आइंस्टीन का क्या था? सुना है ये IQ। और एक EQ होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, इस पर बात कभी और होगी। तो अगर आपका इंटेलिजेंट मतलब आप तेज हो, तेज का मतलब बुद्धि से तेज हो, कहीं भी कुछ अप्लाई करते हो तो बोला अच्छा ये है। जैसे हमने आपको कहा कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो आपने कहा कि अच्छा अगर थर्ड फॉर्म आएगा तो इसके पहले हैव आएगा, मैंने बताया नहीं, आपने ये ले लिया। ये एक इंटेलिजेंट का निशानी है, चिन्ह। ही इज टैलेंटेड। अब इंटेलिजेंट जो है वो बाय बर्थ भी हो सकता है और हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं, और जो टैलेंटेड है वो हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड ही हो कि वो टैलेंटेड है, ठीक है। जब भी वो बैटिंग करेगा ना, आराम से देखेगा और बड़ा बढ़िया से खेलता है, और ये 5 बॉल खेलेगा और जिसमें 2 बॉल हिट करेगा और 7 रन बना लेगा, बाकी 4 बॉल छोड़ देगा। 6 बॉल में 2 बॉल हिट करेगा, एक पर छक्का, एक पर 1 रन ले लेगा, 7 काम हो गया, बड़ा बढ़िया खेलता है वो। और ये उसकी क्वालिटी मिली है जन्मजात, तो आप कह सकते हैं कि ही इज टैलेंटेड, तेज है वो। ही इज एक्सपर्ट, किसी चीज में अगर आपने कुशलता हासिल कर लिया हो, अब वो प्रैक्टिस से होगा, एक्सपर्ट वो प्रैक्टिस से होगा। किसी ने लहरिया कट मार रहा है, वो एकदम यूं ऐसे झुका दे रहा है, नहीं, फिर ऐसे चल रहा है, फिर खड़ा हो जा रहा है,
फिर हैंडल छोड़कर और खड़ा होकर वही गाना गा रहा है, तो ये जो उसने काम किया है वो उसमें एक्सपर्ट हो गया। ये बात निगेटिव है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज पर बार बार काम किया जाए तो फिर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उस मामले में। तो 20 साल से अगर अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ा रहा है और बढ़िया से पढ़ा रहा है, पढ़ भी रहा है, तो फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि वो तुरंत जवाब दे देता है। वो एक दिन की घटना नहीं है, वो हो सकता है कि इंटेलिजेंट ना भी हो लेकिन प्रैक्टिस इतना कर लिया है कि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो गया। स्किल, स्किल सिखाई जाती है। स्किल जो है स्किल्ड है, वो मतलब वो हुनरमंद है, वो प्रशिक्षित है, उसको ट्रेनिंग मिली है और वो स्किल्ड है। अब आप देखेंगे बहुत सारे हमारे एयरफोर्स में ऐसे ग्रुप होते हैं लोगों का, जवानों का, कि जो बिना किसी सहारे 5वीं 10वीं मंजिल पर वो चढ़ जाएंगे आराम से, और वहां से आराम से पाइप के सहारे उतर भी जाएंगे। फिल्मों में आपने देखा होगा, ये रियल में होता भी है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे लोग उतर जाते हैं और चढ़ जाते हैं। ये उनको ट्रेनिंग दी गई है, नाउ ही इज स्किल्ड, तेज है, ये तेज इस अर्थ में है, ठीक है। और जीनियस जो है वो इंटेलिजेंस से ऊपर है, ठीक है, इंटेलिजेंस से ऊपर है। मतलब इंटेलिजेंस से ऊपर का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कोई मैथमेटिक्स को यू सॉल्व करता है, वो क्वेश्चन बोल रहा है, इधर आंसर वो बता रहा है, नहीं, तो वो जो है वो जीनियस है, इससे ज्यादा लेवल है। अब एक बात जब इसकी निकली है तो एक बात और समझ लें, स्किल्ड की, कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी पढ़ रहे हो, ये सिर्फ कोर्स की बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, एग्जाम देकर पास कर जाओगे, इससे तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फिजिक्स जानो और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाना तुम सीख जाओ, इलेक्ट्रिकल कुछ चीजें सीख जाओ, तो तुम्हारा जॉब, तुम्हारा कोर्स भी हो गया और तुम स्किल्ड भी हो गया। तो अगर प्लस टू में हम बच्चों को आर्ट, साइंस, मैथ के अलावा अगर ऐसा कोई कोर्स बनाएं कि किसी को डांस करने में एक्सपर्ट हो जाए, किसी को गाना गाने में, किसी को क्रिकेट में, किसी को मोबाइल बनाने में एक्सपर्ट हो जाए और साथ साथ वो इंटर भी कर ले, तो उसको डिग्री भी देंगे और साथ साथ स्किल भी देंगे। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि आज जो हम रोज पढ़ रहे हैं हमारा स्किल डेवलप हो रहा है, या मैट्रिक में जहां थे आज भी वही है। अगर जॉब को छोड़ दिया जाए, अगर 10 प्लस 2 हो जाए और बोले कि अब पापा मम्मी बोले कि अब तुमको पैसा वैसा नहीं मिलेगा, अब तुम कमाओ, तो देखो तुम कहां के हो, तो पता चलेगा कुछ नहीं सिवाय एक कागज के, तुम्हारे पास एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और एक इंटर का। लेकिन अगर मान लो कंप्यूटर में तुम दक्ष हो गए, कंप्यूटर की सारी चीजें जान रहे हो और इंटर भी कर लिया है, तो अब तुम कुछ कमा सकते हो, तुम स्किल्ड हो। तो देखना पड़ेगा कि हमारी पढ़ाई स्किल को डेवलप कर रही है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम तो छोटी चीज है, बार बार कहते हैं, जो बड़ी चीज है कि स्किल कितना डेवलप हो रहा है। कम से कम इतना डेवलप हो रहा है कि क्लास 5-6 के बच्चों को पढ़ा पाओ इंग्लिश। अगर तुम पढ़ा पा रहे हो तो स्किल सीख रहे हो और मैं सफल हूँ। और नहीं तो वही होगा कि मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद कर तो लिया है, आ कुछ नहीं रहा है। बोलिए, स्किल एंड नॉलेज, अब डिफरेंस ये कि स्किल क्या है और नॉलेज क्या है, ठीक है। इस नॉलेज मीन्स ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, स्किल मतलब हुनर, स्किल मतलब हुनर। ज्ञान हिंदी वर्ड है, हुनर उर्दू वर्ड है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लें। महात्मा बुद्ध को हुनर की प्राप्ति हुई या ज्ञान की, ये नॉलेज है, ठीक है। अब जो नॉलेज है और ये जो अभी आप पढ़ते हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर, ये जो तुम कह रहे हो ना कि हम सीख रहे हैं रील के माध्यम से, हम सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो जो तुम सीख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन है, वो जो सीख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन का मतलब अगर ये कहें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, आपने कहा नीतीश कुमार। अभी जो IPL हुआ था उसका विजेता कौन है, KKR। KKR का फुल फॉर्म क्या है, KKR के मालिक का नाम क्या है, ये सब आपको पता है, बट दैट इज नॉट योर नॉलेज। ये नॉलेज नहीं है, याद रखिए, ये इंफॉर्मेशन है। तो हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिए और सोचते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी है। ये इंफॉर्मेशन है, ये मगरुआ को भी है, बुधना को भी है, सबको है। नॉलेज का मतलब उसके बारे में आपके पास डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, वो नॉलेज है। और जो स्किल है, जो हुनर है, वो दूसरी बात है। जैसे एक
वॉशिंग मशीन बनाने वाला, आयरन बनाने वाला और फ्रिज बनाने वाला आपके यहाँ आ जाए, हो सकता है वो जाहिल हो, उसके पास नॉलेज ना हो, इन्फॉर्मेशन हो कि कौन सा प्लग कहाँ लगाते हैं, लेकिन वो फ्रिज बनाकर आपको देता है, आपको नहीं आ रहा था लेकिन उसे आ रहा है, वो स्किल है उसके पास जो आपके पास नहीं। तो इसमें लंबा चलेगा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ये बात करते हैं मंडे को। That's all for today. We are waiting on Monday.